नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंशु, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज न्यूज। भवंस नेहता महाविद्यालय के छात्र अभिषेक दुबे ने अपने कॉलेज और जिले का बढ़ाया मान। जी हां, भरवारी के रसूलपुर गिरसा के रहने वाले अभिषेक कुमार दुबे, जो भवंस नेहता महाविद्यालय में बीए द्वितीय वर्ष का छात्र है। अभिषेक की एक खासियत है, वो अपने पैर के अंगूठे को काफी तेजी के साथ फोड़ सकते हैं। उन्होंने एक मिनट में 100 बार अपना अंगूठा फोड़ कर ये कीर्तिमान अपने नाम किया है, जो कलाम बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। आपको बता दें, अभिषेक को ये सफलता पूरे 11 महीने के बाद मिली है। 11 महीने में वो 3 बार असफल भी हुए, लेकिन हार नहीं मानी। युवाओं के लिए अभिषेक एक प्रेरणा है। एक बात और, आईआईटी मद्रास की तरफ से एक ऑनलाइन वेबिनार करवाया गया, जिसमें 1 मिलियन बच्चों ने प्रतिभाग किया, जो अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसमें खास बात यह है कि 1 मिलियन बच्चों में अभिषेक भी थे, जो अपना नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज करवा चुके हैं। दिखाते हैं पूरी खबर। आपको बता दें कि अभिषेक को ये सफलता पूरे 11 महीने के बाद मिली है। 11 महीने में वो 3 बार असफल भी हुए, लेकिन हार नहीं मानी। युवाओं के लिए अभिषेक एक प्रेरणा है। एक बात और, आईआईटी मद्रास की तरफ से एक ऑनलाइन वेबिनार करवाया गया था, जिसमें 1 मिलियन बच्चों ने प्रतिभाग किया, जो अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 1 मिलियन बच्चों में अभिषेक भी थे, जो अपना नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज करवा लिया। इस मौके पर कौशाम्बी के जिलाधिकारी अमित कुमार सिंह ने अभिषेक को सर्टिफिकेट प्रदान किया। आपको ये भी बता दें कि अभिषेक ने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, बिहार बुक ऑफ रिकॉर्ड और हाई रेंज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रजिस्ट्रेशन कर दिया है उनका कहना है कि शासन प्रशासन और कॉलेज ने मदद की, तो वो ये सब रिकॉर्ड बना लेंगे। अभिषेक के पिता संजय द्वेदी और माता आशा द्वेदी का कहना है कि अगर शासन प्रशासन की तरफ से अभिषेक की मदद की गई, तो कौशाम्बी का नाम पूरे एशिया में होगा। इस मौके पर अभिषेक के दादा इंद्र नारायण द्वेदी, भाई आकाश द्वेदी, वीरेंद्र प्रसाद पांडे दादा जी, बड़े पापा अजय द्वेदी, चाचा अभय द्वेदी, गुड्डू द्वेदी और ऋषभ देव मिश्र, युवा हिंदू वाहिनी अध्यक्ष आदि लोग मौजूद रहे। सौरभ कुमार मिश्रा, जिला ब्यूरो चीफ, कौशाम्बी। तो फिलहाल के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए परमार्थ आवाज ब्यूरो। नमस्कार।